बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू जेनेटिक्स एंड वेरिएशंस। स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 22, इसमें आज हम इसको स्टार्ट करेंगे चैप्टर को और हम डिस्कशन करेंगे। आज हम बेसिक चीज़ों का जिक्र करेंगे जो इस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स बेसिकली क्या है? जेनेटिक्स जो है ये बायो की ब्रांच है जिसमें जीन्स की स्टडी की जाती है। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ जीन्स, राइट। नेक्स्ट वन, अगर हम इस डेफिनेशन को मजीद बेहतर और एक्सप्लेन करना चाहें तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ जीन्स एंड ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अदर ऑर्गेनिजम्स, राइट। सो वेरिएशंस, जेनेटिक्स मीन स्टडी ऑफ जीन्स, स्टडी ऑफ जीन्स, राइट। एंड वेरिएशंस, वेरिएशंस आप बोलते चेंज को, चेंज, चेंज। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज जीन? जीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जीन क्या है? अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि जीन जो है पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो यहां पर आप जो जीन की डेफिनेशन करेंगे, आप इसको नोट कर लें। जीन्स क्या है आप बोलते, पहले आप इसको डेफिनेशन को इस तरह से लिखते कि पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का टुकड़ा जिसे आप क्या बोलते हैं, जीन्स, पार्ट ऑफ डीएनए, राइट। आप कहते हैं कि जी पार्ट ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। लेकिन जीन्स की आपने प्रॉपर डेफिनेशन क्या करनी है, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पार्टिकुलर प्रोटीन। दोबारा से बता रहा हूं, व्हाट इज जीन्स? जीन्स हम बोलते हैं कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट डिटरमाइन टू द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ पार्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड जीन्स, राइट। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज लोकस? लोकस हम बताते हैं कि पोजीशन ऑफ जीन्स, हम बताते हैं पोजीशन ऑफ जीन्स, ठीक है, पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के ऊपर, यानी डीएनए जो है वो कहां से आया है जी? डीएनए हम बोलते हैं कि ये क्रोमोसोम्स से इवॉल्व हुआ है, यानी क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए और प्रोटीन है। तो पोजीशन ऑफ जीन्स, जीन्स की जो पोजीशन है कहां पे, क्रोमोसोम्स के ऊपर, हम उसको क्या बोलते हैं, लोकस, राइट। देखिए, अगर ये क्रोमोसोम है, इस तरह से मैं बना रहा हूं, अगर ये क्रोमोसोम्स है, हम इसकी डिवीजन करें, हम कहते हैं कि ये कैपिटल ए बी सी डी ई एफ एंड जी, राइट। सेम इसी तरह से ये एक और जीन क्रोमोसोम यहां पर ड्रा कर रहा हूं, स्मॉल ए स्मॉल बी सी डी ई एफ जी। तो देखिए, ये कैपिटल ए जो है जिस जगह पर है, ये अगर कोई एक जीन है ए, या स्मॉल ए अगर कोई जीन है, तो इस जगह का नाम क्या है जी, लोकस, राइट। तो जो
एफ है जिस जगह पे, या फिर यहां पे स्मॉल एफ है, जिस जगह पर क्रोमोसोम के ये मौजूद है उसे बोलते, हम कहते कि ये लोकस है। नेक्स्ट वाला जी, व्हाट इज अलील? अलील हम इस तरह से कह सकते हैं कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। किसी एक जीन की अपोजिट फॉर्म जो है उससे हम बोलते अलील। देखिए, अगर ये कैपिटल ए है इस तरह से, जैसे मैंने यहां पे लिखा कैपिटल ए, तो यहां पे स्मॉल ए, तो ये कैपिटल ए इस स्मॉल ए का अलील है, यहां पे स्मॉल ए इस कैपिटल ए का अलील है, राइट। तो जीन्स जो है ये पेयर की शक्ल में मौजूद होते हैं, यहां पे देखें कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो कैपिटल ए क्या है? ये एक जीन है, स्मॉल ए भी एक जीन है, लेकिन कैपिटल ए स्मॉल ए का अलील है और स्मॉल ए कैपिटल ए का अलील है। ये दोनों आपस में क्या है? अलील्स। और ये क्या है? जीन का पेयर है। तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील्स, राइट। नेक्स्ट टर्म है जी होमोलोगस एंड एनालोगस। हम यहां पे ये बात करते हैं कि होमो का मतलब होता है सेम और एनालोगस मतलब कि डिफरेंट। अब गौर करें कि अगर ये कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल ए कैपिटल बी का क्या है? होमोलोगस है। लेकिन कैपिटल ए बी का क्या है? एनालोगस। यानी कि आपस में क्या है जी? होमोलोगस। या आपस में क्या है? होमोलोगस है। इस तरह से ये जीन जो है, लेकिन कैपिटल ए इस स्मॉल बी का क्या है जी? एनालोगस। तो नेक्स्ट, व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप आप बोलते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स आप बोलते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स इज कॉल्ड फिनोटाइप। कलर ऑफ आईज, राइट। तो डिफरेंट लोगों का कलर ऑफ आईज डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हेयर्स कर्लीज होते हैं, तो वो जो है वो भी फिनोटाइप है। व्हाट इज जीनोटाइप? सीक्वेंस ऑफ जीन्स इन इंडिविजुअल्स, जीन्स की जो सीक्वेंस है, ठीक है, यानी सीक्वेंस ऑफ जीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जीन्स इन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जीन्स की जो तरतीब है वो जीनोटाइप कहलाएगी। जीनोटाइप यानी जीन्स की स्टडी जो है। नेक्स्ट वन जो है, हम एक और बात करते हैं यहां पे कि व्हाट इज जीन पूल? जीन पूल क्या है? पूल बोलते हैं कलेक्शन को। जीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जेनेटिक्स की स्टडी है, तो क्या डेफिनेशन करेंगे जी? द सम टोटल ऑफ जीन्स, सम टोटल ऑफ जीन्स, सम यानी मजमुआ, टोटल ऑफ जीन्स सारे जीन्स का मजमुआ, ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स हर मुकम्मल ऑर्गेनिजम्स का, ऑफ अ जेनेटिक पॉपुलेशन, किसी जेनेटिक पॉपुलेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? जीन पूल बोलते हैं। यानी कि द टोटल इंफॉर्मेशन ऑफ जीन्स ऑफ अ सेम स्पीशीज, किसी एक स्पीशीज की टोटल कलेक्शन ऑफ जीन्स, किसी एक स्पीशीज की जीन्स की टोटल कलेक्शन को हम बोलते हैं जीन पूल। नेक्स्ट वाला, व्हाट इज पॉपुलेशन? सिंपल डेफिनेशन है जी कि जब सेम स्पीशीज, आप बोलते हैं कि सेम स्पीशीज लाइव एट सेम प्लेस एट सेम टाइम, आप इसे क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन, राइट। जब किसी एक सेम स्पीशीज जो कि किसी एक सेम प्लेस पे सेम टाइम पे अक्कर हो, हम बोलते हैं दैट इज पॉपुलेशन। नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट है, यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, व्हाट इज जंपिंग जीन्स? इसको ट्रांसपोजेंस भी बोलते हैं और टीई ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो ट्रांसपोजिशन ऑफन रिजल्ट इन डुप्लीकेशन ऑफ सेम जेनेटिक मटीरियल। अक्सर जो ट्रांसपोजिशन होती है वो सेम किस्म के जेनेटिक मटीरियल के डुप्लीकेशन की वजह से भी होती है, राइट।
तो जंपिंग जीन्स या फिर ट्रांसपोजन्स, जंपिंग जीन इसलिए बोलते हैं कि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरे की जगह पर चले जाते हैं, वो मुसलसल जगह तब्दील करते रहते हैं, तो हम उन जीन्स को बोलते हैं जंपिंग जीन्स, राइट। तो इसमें एक और टर्म इस तरह से भी आप देख रहे कि अगर ये क्रोमोसोम इस तरह से हमने ड्रा किया है इस तरह से, राइट, तो ये जो आप ये आपस में जो है ये सिस्टर क्रोमाटिड्स है, ये आपस में सिस्टर क्रोमाटिड्स है, ये भी सिस्टर क्रोमाटिड्स है, राइट। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमाटिड, क्रोमाटिड, ये क्रोमाटिड है, ठीक है। और ये सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर पिछले चैप्टर में, चैप्टर में 20 में हम इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं, ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स आपका, आप कमेंट करें नीचे, आपको आंसर किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।